बात करना है, हाँ जाना है, घूमने जाना है, वर्षा से झूठ बोलना है, नहीं यार मैं। अच्छा वर्षा नाम है आपका? हाँ जी। हाय मेरा नाम यश है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपका अपना भाई यश चौधरी दिल्ली का कड़क लौंडा जबरदस्त वीडियो के साथ में। तो वीडियो बहुत अच्छी बनी है, रिएक्शन भी बहुत मजेदार है, तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करना। और दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि यार जैकेट कहाँ से आ रही है और शूज और वॉचेस कहाँ से आ रही है, तो दोस्तों ये सारी जो कलेक्शन है ये मैं परचेज कर रहा हूँ फैशन अड्डा 37 से। तो उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग भी वहां पर जाकर अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया कलेक्शन है यार, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करो। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक्सक्यूज मी यार, एक मिनट इसको पकड़ना जरा, मुझे ना लेसेस बांधने हैं। ओके ओके ओके। आई लव यू यार, विल यू माय गर्लफ्रेंड? सॉरी। क्या हुआ यार, सैड क्यों हो गए? एक्चुअली लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसने मेरे को चीट किया था, उसने मेरे को पोस्ट किया, उसने मेरे को बोला कि मैं तुम्हारा लाइफ टाइम तक साथ दूंगा। सेम ऐसे ही किया था जी, उसने मेरे को प्रपोज किया था, मतलब हम मिले थे। तो फिर मतलब पहले ऐसी नॉर्मल बातें वगैरह हुई, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके फ्रेंड बनने के लिए बोला, फिर हम ज़्यादा क्लोज हो गए थे। तो फिर कुछ टाइम के बाद वही चीट करना, मेरे से पैसे लेना, फिर मैंने देखा किसी और लड़की के साथ घूमना, खाना पीना और मुझसे झूठे वादे, कसमें ये सब करना, तो मेरा विश्वास उठ गया है। लेकिन हाँ, मेरे को बहुत ट्रस्ट था उस पर। अच्छा। अभी भी है, अब वही है, होता है ना फर्स्ट क्रश। अच्छा, पहला प्यार था? हाँ जी। तो बट यार मुझे भी ना अच्छी सी लग रही थी, मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए यार ऐसे। और क्या हुआ, मतलब और हो जाती है फिर उस चीज़ को दोबारा करने का मन नहीं करता प्यार से, मतलब बिलीव अब नहीं होता मेरा उस पर। क्योंकि पहले एक बार हो चुका है ना, पहले एक बार जब चीट मिल जाता है इंसान को, फिर दोबारा नहीं हो पाता, कैसे भी करके ट्रस्ट नहीं होता। और क्या कहता, मतलब ब्रेकअप क्यों हुआ आपका? ब्रेकअप इसी वजह से, मतलब पहले हम जाते थे मिलते थे, बहुत कसमें वादे ये वो, कि नहीं तुम बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छी हो, मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता यार, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे करके वही, फिर मुझे कुछ ना कुछ पता चलने लगा फ्रेंडों वगैरह से, जैसे फ्रेंड्स मतलब बताते थे कि नहीं तेरे को चीट करता है और गर्ल से भी बात करता है, इधर तो बात जाता है। तो बात ही तो करता था या मिलता वगैरह भी था? डेट मिलता वगैरह, डेट करना, मतलब सब कुछ, मतलब मेरे सामने मैं बोलती थी नहीं कुछ भी हो तो मेरे से क्लियर करो ना यार, किसी और से क्या, मेरे को सुनना अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बारे में किसी और से, मैं क्यों सुनूँ किसी और से बुरा, जब मैं तुमसे पूछ रही हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं तो मेरे को बताओ तो सही एक बार, अब किसी और से कुछ सुनने को मिल रहा तो बार बार झूठ पे झूठ बोल रहे हो, झूठ पे झूठ बोल रहे हो, तो ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता। तो तुमने कभी चांस नहीं दिया उसको, समझाया नहीं कि यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ? प्यार करते थे, मतलब पहला प्यार था तुम्हारा? पहला प्यार था, बहुत प्यार करती थी। कितने साल का रिलेशन था जैसे? 2 ईयर्स। अच्छा, बट प्रपोज लास्ट ईयर किया था? 3 मंथ के बाद किया था। अच्छा अच्छा, 3 मंथ के बाद किया था, मतलब पहले तो ऐसे ही था कि नॉर्मल वो मेरे को देखता रहता था, काफ़ी टाइम से पीछे पड़ा था, फ्रेंड्स वगैरह कहते थे कि मान जा अच्छा लड़का है, काफ़ी लोग उसकी तारीफ़ करते थे, उसके फ्रेंड्स वगैरह भी मेरे से बात करते थे, लेकिन मैं उससे नहीं करती थी, बिकॉज मेरे को इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं था, मेरे को डर लगता था कि नहीं यार रिलेशनशिप में नहीं आना जो भी हो जाए। फिर धीरे धीरे करके फिर उसने ट्रस्ट जीत लिया था मेरा, बात करते करते फिर मेरे को अच्छा लगने लगा, फ्रेंड बनते बनते कब लगाव हो गया पता नहीं चला, फिर धीरे धीरे करके फिर वही लगाव हुआ, प्यार हुआ, घूमना फिरना हुआ। आँखों से दिख रहा है यार तुम्हारी कि तुम्हारी आँखों में सच में तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार था। हाँ, फिर वही धीरे धीरे करके सब खत्म होता चले गया, उसके वो कसमें वादे वही रहे वो तो कभी अपनी सच्चाई समझ नहीं, मतलब कभी भी मानता ही तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चला था कि मतलब इस तरीके से चल रहा है? मुझे पता चलता था, मैं इग्नोर करती थी, मैं कहती थी कोई नहीं मान जाएगा, अभी क्या है स्टार्टिंग है, कोई नहीं धीरे धीरे सीरियस हो जाएगा। बट क्या, इधर मेरे को सब मतलब झूठ झूठ बोल रहे हैं और सामने से कुछ और फिर पीठ पीछे कुछ और, मतलब तुम उसके पीछे इतना परेशान हो, दुखी हो, कभी पता है उसे ये सब चीज़ें? पता रहती है अभी कोई है तुम्हारी लाइफ में उसके अलावा? नहीं, अब कभी नहीं, कभी सोचा ही नहीं और ना ही कभी हो शायद। अच्छा, नहीं यार ऐसा तो नहीं है, देखो हर कोई एक जैसा नहीं होता, बट उसने जो भी था तुम्हारा बंदा, उसने बहुत ज़्यादा गलत किया तुम्हारे साथ में। और मतलब यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो?
मुझे अकेले रहना अब अच्छा लगता है, मेरा मन नहीं करता किसी से फालतू में बात करो, फिर कोई प्रो करता है तो मेरे को गुस्सा और आता है कि यार। अच्छा, वैसे मैंने क्या गुस्सा तो नहीं आया, मतलब नॉर्मल लगा, आप अपनी जगह सही हो, मे बी आप। बट यार अच्छी लग रही थी तुम, काफ़ी कूल सी लग रही थी बैठी हुई, तो इमरजेंसी में मैं चॉकलेट लेके आया, बट यार तुमने तो मुझे भी अपसेट कर दिया, मतलब मैं तो बड़ी खुशी खुशी आया था यार, क्यूट सी लड़की शायद मेरी बंदी वगैरह बन जाएगी, बट तुम तो कहानी कुछ और सुना रहे। बताओ ना, अच्छी है तुम्हारी कहानी, और बताओ क्या बेस्ट था क्या बुरा था? बेस्ट यही था, हम पहले मतलब मिला करते थे, घूमने जाते थे, वो मतलब काफ़ी पैसे से स्टार्टिंग में बहुत मानता था अभी भी बोलता है कि आ जा यार कम बैक, मैं अपनी अभी भी उसकी लाइफ में कोई ना कोई है, फिर भी कहते हैं आ जा मैं उसे छोड़ दूंगा यार, ट्रस्ट कर, बट वही कहते हैं यार ये कैसे ट्रस्ट कर लोगे जब ऑलरेडी कोई है और तुम्हें पता है, और उसके बाद भी कहते हैं, तो ऐसे बंदे तो फिर काफ़ी चीप हो गए ना यार, रहो तो किसी एक के साथ रहो ना, वही तो ट्रस्ट नहीं होता। मैंने आज तक किसी और को उसके अलावा देखा नहीं, ना कुछ बोला, क्या मेरे पास प्रपोजल नहीं आते? बिल्कुल आते होंगे, बहुत आते हैं, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ, मना करती हूँ, बट उसे तो जो भी मिल जाए सब सही है। हाँ कोई नहीं, बात करना है, हाँ जाना है, घूमने जाना है, वर्षा से झूठ बोलना है, नहीं यार मैं। अच्छा, वर्षा नाम है आपका? हाँ जी। हाय, मेरा नाम यश है, नाम ही नहीं पूछा था, देखो मैं तो तुम्हारी कहानी में खो गया। बल पता है सारे ना एक जैसे नहीं होते यार, जाने दो जो उसकी ज़िंदगी में, मतलब तुम्हारे साथ उसने जो भी किया कुछ भी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पास तो सबका होता है पता है, लेकिन पास के चक्कर में रुका नहीं जाता ना, लाइफ में मूव ऑन करते रहना चाहिए इंसान को। कुछ चीज़ें होती है भूल नहीं जाती है, फर्स्ट तो फर्स्ट ही होती है। नहीं यार वैसे मैं एक चीज़ फॉलो करता हूँ, यस्टरडे इज़ अ हिस्ट्री एंड टुमारो इज़ अ मिस्ट्री, बट टुडे इज़ योर गॉड गिफ्ट। तुम किसी के पास के चक्कर में अपना आज क्यों ख़राब कर रहे हो? लेट्स मूव ऑन ना यार, बहुत खूबसूरत लाइफ है, बस एक सोच का फ़र्क है, एक बार सोच के तो देखो। बहुत ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हें बहुत चाहते होंगे, बट तुम किसी एक के चक्कर में या अकेले बैठे हो पार्कों में, तो सोचो ना, अजीब बात है। घर वाले भी सोचते होंगे हमारा बच्चा परेशान रह रहा है, क्यों रह रहा है, तो अपने आप को चांस दो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे अपनी लाइफ में चांस दो, अपने आप को चांस दो इन चीज़ों से बाहर निकलने का, निकल के देखो यार। किसी एक के चक्कर में लाइफ ख़राब नहीं होती, ना किसी के आने से ना जाने से लाइफ रुकती है, वो भी तो आगे निकल गया ना वो भी आगे, और वो तुम्हें एज अ ऑप्शन कह रहा है कि यार आ जा, और एंड यू नो डैट वेरी वेल कि ऑलरेडी उसके पास कोई और भी है, तो एटलीस्ट उस चीज़ से निकलो ना बाहर, क्यों यहाँ आके बैठ जाना अकेले? इसमें कोई सॉल्यूशन है नहीं, होता ना ये सब, होता तो नहीं है, बट आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ऐसे ही स्टोरी बता रहे हो कि लाइक ये वो, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, पता है। सारे सॉल्यूशन हमसे खुद शुरू होते हैं और हमसे ख़त्म होते हैं। मैंने कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, मैंने हर जगह से ब्लॉक किया, बट कहीं ना कहीं से उसने मेरे को फॉलो किया। ब्लॉक करना रीज़न नहीं होता, रीज़न होता है बार बार आके बोलना, फिर वही चीज़ें याद आती है। कोई बात नहीं, उसे एक बार पूछो क्लियर कि यार क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। पता है कोई दोस्त वोस्त नहीं है तुम्हारा, बेस्ट फ्रेंड वगैरह है ना, तो उसे बोलो ना यार ऐसे परेशान वगैरह करता है, मिल के पूछो ना उससे, भाई समझाओ, बैठाओ, बात करो, ऐसे तो आप घुट घुट के मर जाओगे यार। पता नहीं लड़कियाँ पागल की होती हैं यार, इतनी लड़का मौज मारता फिर रहा है, लड़की बैठी हुई है रो रही है अकेले में, इट डजेंट लुक नाइस यार। सोचो देखो, मैं तो यहाँ पे आई एम अ जेन्युइन बंदा और एक अच्छा लड़का हूँ मैं, इसलिए मैं यहाँ के एक पॉजिटिव चीज़ बता रहा हूँ, वरना हर कोई तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता भी नहीं है। अभी तो मैंने म्यूजिक में इंटरेस्ट देना चालू कर दिया है। अच्छा म्यूजिक में, कौन से दर्द भरे नगमे? तो एक्चुअली मैं सिंगिंग वगैरह करती हूँ, सिंगिंग रैपिंग वगैरह। अच्छा हाँ। तो यार अपने टैलेंट को बाहर लाओ ना, हद है। यूट्यूब पे चैनल भी है आपका? कोई नहीं यार, मैं भी सोच रहा था कभी यूट्यूब शुरू करूँगा। वेल पता है अपने अंदर के टैलेंट को बाहर लाना चाहिए। घुट घुट के कब तक जियोगे यार? पता है स्माइल आई थी अभी, थोड़ी सी अच्छी लग रही थी सच्ची। रोना मत, तुम्हारी आंखें थोड़ी सी नम सी हो रही है। वैसे एक बात बोलूँ, तुम्हारा जो भी बंदा है ना, एक बार उससे मेरी बात करा देना। बट पता क्यों, पहले उसके लिए ना तुम्हें और मुझे दोस्त बनना पड़ेगा। मेरे को गुस्सा भी आता है, मैं अच्छे से समझा दूँगा। कभी कभी ना लड़की अकेली पड़ जाती है, लेकिन मुझे ना पहला स्टेप खुद लेना होता है। अब क्या वो तुमसे बोले ना, उसे ये लगता है ना कि तुम सिंगल हो और आज भी उससे प्यार करती हो। अब उससे बोलना कि मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरा भी बंदा है। मतलब ऐसे दोस्त हो कोई बात नहीं, तुम उसे बोल देना, फिर देखता हूँ वो कैसे तुम्हारे लिए कुछ करता है या कैसे तुम्हें परेशान करता है, ठीक है? मतलब मैं धमकी वमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही देख लेना, आजमा के देख लेना यार। मैं दोस्तों के लिए ना जान तक हाजिर है अपनी। तुम एक बार ना मेरा इंस्टा नंबर ले लो या दे दो मुझको, लेकिन अब ना इस चीज़ में अटकना मत। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम रिलेशन का तो मुझे पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं, बट मैं एक दोस्त बन सकता हूँ और एक बहुत अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। सो टाइप योर इंस्टाग्राम और नंबर जो भी तुम्हें ठीक लगता हो। इंस्टाग्राम ओके।
और दिल्ली में कहाँ से हो आप? दिल्ली में बदरपुर। अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ से है? वो भी वहीं से। अब की बार भी अगर कोई कॉल और कोई एसएमएस आए या कुछ भी कहे ना, मिलना विलना बेझिझक मिलना, उससे बोलना कि मैं भी तुझे मिलवाना चाहती हूँ किसी से, ऐसे ऐसे बातें मेरे सामने लेके आना, ठीक है? कुछ भी फ़ोन पे कुछ मत बोलना, गलत मत बोलना। मैं भी उसे कोई गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं उसे प्यार से समझाऊँगा, शायद उसे समझ आ जाए। लेकिन घुट घुट के जीना बंद करो तुम भी, मतलब तुम ना प्रॉब्लम में नहीं आओगी, क्योंकि अब तुम बोल सकती हो कि हाँ मेरे पास मेरा दोस्त है इस तरीके से। नाइस यार वर्षा, क्रिएटिविटी सुपर। तो आज से हमारी दोस्ती की स्टार्ट हुई। ये तुम रखो चॉकलेट मेरी साइड से, ठीक है? आई एम नॉट गोना क्या? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे फाइनली अब खुशी मिल रही है कि यार कोई तो है, मतलब इतना। डोंट वरी आई एम विद यू यार, मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारे साथ में रहूँगा हमेशा। नहीं बनानी यार गर्लफ्रेंड भी, जब तुम्हें ठीक लगता हो ना, जब तुम मुझे बता देना, ठीक है? लेकिन तुम उस बंदे से बिल्कुल नहीं घबराओगी, उसके लिए तुम बोल सकते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड भी है, ओके? कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। लेकिन घुट के नहीं जियोगी बस। डजंट मैटर कि तुम मेरी लाइफ में परमानेंट रहो ना रहो, मुझे वो सब नहीं चाहिए, लेकिन तुम घुट के मत जीना। कहने का मतलब मेरा बस इतना ही है। तो ये स्माइल बहुत अच्छी है, इसे बरकरार रखो, और जो तुम्हारा करियर है रैपिंग का, उसको जिंदा करो और उस पर फोकस करो। जब सक्सेस हो जाते हो ना, तो ऐसे लोग बहुत आते हैं यार अपने आप, और लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा कुछ पता नहीं चलता, बस फोकस करो अपने करियर पे। जब तुम वहाँ पे ग्रोथ करने लगोगी ना, तो जो तुम्हारी ये टेंशन है ना इधर उधर की, बॉयफ्रेंड वाली, अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। कोई धीरे धीरे ख़त्म, अब कुछ हो रहा है जबी तो वो बार बाद में मतलब आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देख लो, हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई ऐसी खास बात हो जो उसे औरों में ना मिली हुई है ना? तो इसीलिए अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो, ओके? बाकी मैं भी चलता हूँ, चॉकलेट आप इंजॉय करो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, नाइस टू मीट यू। नाम मत भूलना, यश नाम है मेरा। बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, एंजॉय योर डे, यू कैन सिट हियर, मैं जाता हूँ, बाय। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, हर बार की तरह। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को जिसने अभी तक नहीं किया है। और दोस्तों फैशन अड्डा 37 को चेकआउट करना ना भूले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाओ यार मजे लो यार अच्छे अच्छे कलेक्शन के। थैंक यू सो मच दोस्तों।